दोस्तों, आप सबका स्वागत है उज्जवल भारत ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। आज के ब्लॉग काफ़ी अच्छा होगा। आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे एक ऐसा होनहार लड़का जो खेल के दुनिया में काफ़ी नाम कमा चुका है, जो सिवान के रहने वाला है और सिवान बिहार में पड़ता है। तो अभी हम आप लोगों से मिलाएंगे उसको और दिखाएंगे उसका कला। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक और कमेंट कीजिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, यह लड़का बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से एक छोटा सा गांव आता है जो सिसवन, तो वहीं का ये निवासी है। और आप लोगों को दिखाएंगे कि काफ़ी अच्छा इनके पास टैलेंट है, और अभी आप लोगों को दिखाएंगे इनका टैलेंट, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज दिखाएँगे उनका टैलेंट। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मिलाएंगे एक ऐसे होनहार लड़का जो बिहार ही नहीं पूरे अपने इंडिया में नाम कमा चुका है। तो अभी हम आप लोगों को मतलब सामने दिखाने वाले हैं जो ये लड़के हैं, ये इनका नाम बताएंगे आप लोगों को। पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं गंगपुर सिसवन सिवान जिला बिहार का निवासी हूँ, और मैं ये फुटबॉल के साथ स्किल्स करता हूँ, इसको फुटबॉल फ्री स्टाइल बोलते हैं। मैं फुटबॉल फ्री स्टाइल लास्ट 5-6 ईयर से कर रहा हूँ। तो आप बता सकते हैं कि अभी तक कितना मैच आप जीते हैं? एक्चुअली इसका मैच नहीं होता है, इसका चैंपियनशिप होता है जी। टूर्नामेंट भी होता है, इंडिया में भी होता है, और ख़ासकर बाहर कंट्री में ज़्यादा होता है जी जी। तो बस मेरा यही मोटिव है कि मतलब इसको बाहर देश में होता है, इंडिया में भी लाने की कोशिश है, और ख़ासकर बिहार में भी, क्योंकि इधर के लड़के मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल में नहीं रखते, सब क्रिकेट ही खेलते हैं जी। तो मेरा मानना यही है कि मैं सोचता हूँ कि फुटबॉल में भी इंडिया बिहार में आना चाहिए,
और इसीलिए मैं कोशिश में हूँ कि कुछ कर सकूँ बिहार के लिए या जो इंडिया के आपके लिए। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत लोग देख रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको आप क्या बोलिएगा? मतलब मेरा यही है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी गेम खेल रहे हैं, कि कोशिश आप करिए कि एकदम मतलब अपना दिल से करिए और अच्छे लेवल तक जाइए। जी, यानी हर एक लोगों को लगन से काम करना चाहिए, कोई भी काम हो। जी वही है कि मेरे टाइम में बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आती है हर चीज़ में, जी, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बस यही आप अंदर क्षमता रखनी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो उससे निपटने का आप ये साहस गेम रखनी चाहिए। स्टार्ट कब किए थे, मतलब किस एज में स्टार्ट किए थे ये गेम? स्टार्ट में जब 10th क्लास में था, मतलब नॉर्मली फुटबॉल वुटबॉल खेलता जी था, जी और उसके बाद मेरे को ऐसी मतलब एक रोनाल्डिनो प्लेयर है जी ब्राज़ील जी का, जी जी उसका मैं वीडियो देख लिया था, तो मेरे को लगा कि यार कैसे हो गया ये, जितना बॉल राउंड गोल है उतना हेड भी है, जी तो जी नॉर्मली लेके बॉल को कैसे हेड पे लेके चल रहे थे। जी तो मैंने भी कोशिश किया कि मैं भी करूं, और मैं भी ट्राई किया तो मेरे जी को भी जी आ गया। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि इसका स्टेप बाय स्टेप होता है और इसमें जी बहुत सारे स्किल्स हैं, यही नहीं है कि एक ही है, तो बस कोशिश यही था कि बस कुछ कर सकूँ, कुछ जी अलग जी करने का बचपन से ही मेरा मन था जी कि थोड़ा कुछ हटके करना है, तो इसलिए मैं ये फुटबॉल फ्री स्टाइल को चुना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, मतलब आप लोगों से बात करके, और आपके जो भी व्यूवर्स हैं देखने वाले हैं उन लोगों से यही मैसेज रहा है, क्योंकि कोई भी अगर काम अगर मन से कर रहे हैं तो वो ज़रूर सफलता मिलेगी, कोई भी काम हो, या आपकी क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी हो गया, हॉकी खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी गेम हो, लेकिन उसको थोड़ा सी अच्छी से करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी व्यूवर्स हैं देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आजकल लोग यूट्यूब पे मतलब जुड़े जी हुए जी हैं, जी तो जो अगर यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है उन लोगों से मेरी यही एक मैसेज रहेगी कि अगर कोई भी बंदा अगर ठीक से काम कर रहा है तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोग कुछ बोलिएगा सर। क्या बोला जाए, हम लोग देखते हैं, हम बोलेंगे मास्टर साहब, मास्टर साहब। तो भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जी पे। सर, हम यही बोलना चाहते हैं, जो संदीप भैया करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी बिहार के दर्शक देख रहे हैं वो कम से कम ना हो तो इनके जैसा बनने का प्रयास करें। हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि जी स्वस्थ जी ही धन होता है, और कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ रहता है तभी सब कुछ है, बेनिफिट है। इसीलिए फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें सभी प्लेयर दौड़ते रहते हैं, जिससे उनका एनर्जी लेवल और भी हाई होता है। जी तो हम चाहते हैं पूरे दर्शकों से, पूरे बिहार वासियों से, कि वो मन लगा करके जी जान से मेहनत करें। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा। शॉप कॉर्नर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम इनको एक मेडल से सम्मानित करेंगे। तो आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं संदीप भैया और पूरे सिसवन में जो हमारे यूथ लड़के हैं सबके तरफ से आपके और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने दूर से आकर हमारे ग्राउंड पर हमारे संदीप भैया का आप इंटरव्यू लिए। जी, और इसके साथ में यही कहना चाहूँगा कि संदीप भैया को तो हम लोग देखते देखते बचपन से देख ही रहे हैं, देखते हैं बहुत अद्भुत कला है इनके पास, और ये भी कहना चाहेंगे कि लड़के बहुत कुछ इनसे सीखते भी हैं, और ये इनका वीडियो हम जब लोग यूट्यूब पर देखते हैं या अन्य कई प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि इनका वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है या इतना व्यूवर्स हो गया है, और फेसबुक पर भी इनका बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फैन फॉलोइंग हैं अभी, बहुत सारे हैं, और अलग अलग जैसे रील्स वाले या जितने भी शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म हैं उसमें इनका वीडियो देखते हैं, या फिर दूसरे गाँव या दूर दूर के लड़के कहते हैं कि ये भाई आपका गाँव का लड़का है देखिए, हम कहते हैं हम बहुत हम लोग का गौर से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे बड़े भाई और हमारे गांव का लड़का इतने छोटे गांव से इतना ऊंचे प्लेटफॉर्म पे या इतना कर देते हैं। अभी इनके अलावा हम किसी को ऐसा करते नहीं देखे हैं। सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है अगर कोई बिहार का लड़का अगर ऐसा हो, और गांव जवार का लड़का, और दूर दूर तक कभी कभी मुंबई में भी जाते हैं, इनका शो रहता है, या फिर 2-4 दिन 10 दिन के बाद कहीं कहीं से शो भी करते हैं जो कि हम लोग को मोबाइल वोबाइल पर देखने को मिलता है। जी, टीवी पर एक दो बार भी इनका शो आया है। कोई कौन सा चैनल था संदीप भैया? न्यूज बहुत सारे आते वो रहते न्यूज हैं। झारखंड जी, यही सब बात है। और कुछ बोलिएगा? नहीं, तो भैया आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमन प्रकाश सिंह हुआ, मेरा गांव यहीं पे है, और ये मेरे बड़े भाई ही रहेंगे, से हैं गाँवपुर सिसवन, मेरा घर पड़ेगा। जी, चलिए ठीक है, आप लोगों से मतलब बात करके काफ़ी अच्छा लगा।